ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्वालामुखी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बैंक प्रबंधन द्वारा संचालित एंट्री मशीन स्थापित की गई। मशीन के बारे में जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक रोहित शर्मा ने बताया कि उक्त मशीन के स्थापित होने से बैंक में केवल पासबुक में एंट्री करने वाले उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी और वे किसी भी समय बिना किसी बैंक कर्मचारी के सहायता से अपनी पासबुक अपडेट कर सकते हैं। ज्वालामुखी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बैंक प्रबंधन द्वारा संचालित एंट्री मशीन स्थापित की गई। मशीन के बारे में जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक रोहित शर्मा ने बताया कि उक्त मशीन के स्थापित होने से बैंक में केवल पासबुक में एंट्री करने वाले उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी और वे किसी भी समय बिना किसी बैंक कर्मचारी के सहायता से अपनी पासबुक अपडेट कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को सभी आधुनिक सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प है एवं समय के साथ साथ परिसर में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी ना हो। बैंक की शाखा ज्वालामुखी में अभी हमने एक नई स्वचालित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क मशीन जो है वो इंस्टॉल करवाई है। ग्राहकों की अधिकतर यही शिकायत रहती थी कि जब भी वो बैंक में आते हैं उनकी समय पर जो है किताब की जो प्रिंटिंग है वो की नहीं जाती पासबुक की। तो इसके लिए बैंक ने जो है टाइम टू टाइम जो है काउंटर्स अपने अलग से लगाए होते हैं, फिर भी एक बैंक ने एक अभी स्वचालित मशीन जो कि ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक शाखा ज्वालामुखी में एक लगाई गई थी, उसके अलावा एक और बैकअप में एक और मशीन जो है इंस्टॉल करवाई है। इसमें कस्टमर्स जो है बिना किसी काउंटर एम्प्लॉय की मदद के बिना वो अपनी पासबुक खुद मशीन में जाकर डाल सकते हैं। वो मशीन में अपनी पासबुक को बिल्कुल अप टू डेट एज ऑन डेट मतलब लेटेस्ट उसको अपडेट कर सकते हैं। इसमें किसी भी एम्प्लॉय की सहायता की ज़रूरत नहीं है और ये पूरी तरह से स्वचालित मशीन है। बैंकिंग आवर्स खत्म होने के बाद भी कस्टमर्स जो है अपनी इस पासबुक को अपडेट करवा सकते हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि ये जो पासबुक मशीन हमने जो इंस्टॉल करवाई है ये ग्राहकों के लिए एक बहुत ही सहायता उपलब्ध करवाएगी और ग्राहकों की जो विश्वास है और जो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो और भी बढ़ेगा बैंक में।